अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड हियर इज मरियम एंड मी, मैरी एंड मी। हम दोनों आज जा रहे हैं बाहर मरियम आपी की यूनिवर्सिटी में। तो जी हम रेडी शेडी होकर बाहर निकलने लगे। मरियम ने सबसे पहले कहा दरवाज़ा तो बंद करो अच्छे तरीके से, बदतमीज लड़की। दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा भाई को बुलाती हूँ, उसने बंद कर दिया और हम लोग निकल आए। सी हम दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। देन हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा करवाया और हम सीधा अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच गए। बीच का एरिया मैंने स्किप किया क्योंकि मरियम की यूनिवर्सिटी जो है ना वो यहीं पे है, इन इसे प्लाट्स वगैरह हैं तो उनके दरमियान में ही है। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के करीब पहुँचे थे, अंकल ने यूनिवर्सिटी पे नहीं उतारा था, थोड़ा सा पीछे करके उतारा था और फिर हमें उधर से खुद जाना पड़ा था आगे। उससे पहले अंकल के पास चेंज नहीं था तो अंकल चेंज लेने के लिए इधर उधर जा रहे थे, जो कि अंकल को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और हमारे पास भी नहीं था। देन इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैं और आप यूनिवर्सिटी पहुँच गए। फिर आप एक उधर कोई काम था शायद इसलिए, और मैं तो साथ आई, मैं लोफरी हमारे के लिए आई थी, मैं तो हर चीज़ में साथ घुसना होता है मुझे। वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि आपकी फ्रेंड बेस्ट 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 फॉर एवर फ्रेंड मिल गई थी और वो दोनों रोना शुरू हो गई थी। जैसे ही मिली मैंने कहा रोने मत लग जाना, और उसी वक्त वो रोने लग गई। क्या कमाल की टाइमिंग थी। फिर ये लोग घूमे फिरे, इन्होंने वहाँ पर काफ़ी टाइम साथ गुजारा एंड देन कुछ अच्छे से खाया भी, और लिटरली एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था, जैसे बचपन की बिछड़ी हुई सहेलियाँ नहीं मिल जाती जिसे कहते हैं, बस वही काम हुआ था। फिर ये दोनों बैठी, इनके मैंने पिक्चर्स भी बनाई, ढेर सारे पिक्चर्स बनाए। जाहिर सी बात है जब दो बिछड़े साथे मिल जाए और तस्वीरें और वीडियोस ना बने तो पॉसिबल ही नहीं है। देन हम लोग चीजीज गए थे और वहाँ पर हमने कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपी, क्योंकि आपी का ऑफिस बंद था उस वक्त, फिर वापस आना पड़ा हमें, चेक किया उनका दोबारा, आपी का कोई काम था वो तो मुझे आइडिया नहीं आया कौन सा काम था, जो भी था वो कर रही थी। देन आपी ने मुझे बताया कि आपके व्यूवर्स के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, फिर आपी ने शेयर किया अपने प्राइस, आप लोगों के साथ लेना नहीं लेना तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप अपने घर जाइएगा। देन हम लोग वापस आ गए रिक्शे में बैठकर यूनिवर्सिटी। मैंने अपने जूते नहीं पहने थे, मम्मा के पहने थे, आपी ने अपने पहने, जिसकी वजह से मैं तो बिल्कुल अम्मी या दादी लग रही थी और आपी बच्ची या लड़की लग रही थी। खैर क्या करें, वो हैं ही प्यारी और हम कहाँ, लेकिन ये बात छोड़े, मैं हूँ ही प्यारी, आप सबको अच्छे तरीके से पता है, आई एम द बेस्ट। देन फिर हम लोग ने यहीं पर बैठ के पापा जाने का वेट किया क्योंकि उन्होंने हमें यहीं से लेने आना था, और हमने काफ़ी देर यहाँ पर बैठ टहल लिया, इतना चली कि यहाँ पर बाद में मेरी टांगों में बहुत सख्त दर्द हो गया था। मैं आप ही को कह रही थी बार बार बैठ जाते हैं लेकिन नहीं, और फिर मैंने यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा प्यारी मेरी मरियम आपी ने पिक्चर्स भी बनाई थी, जो आप ज़रूर देखिएगा इंस्टाग्राम पर जाकर, मुझे फॉलो भी करें। देन आपी ने मुझे बताया कि यहाँ पर जामुन का दरख्त है तो चलो वहाँ चलते हैं, और फिर हम लोग जामुन तोड़ने के लिए जामुन के दरख्त के पास पहुँच गए। इतनी कोशिश की, इतनी 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 ज़्यादा कोशिश की कि ये जामुन कोई एक दो उतर आए, लेकिन नहीं, मेरी आपी की दरअसल हाइट थोड़ी छोटी रह गई है तो आप माइंड मत कीजिएगा। तो हम अपनी बेइज्जती करवा कर वापस नीचे उतर आए और घर को वापस आ गए, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं था, इसलिए हमारा व्लॉग यहीं पर एंड होता है क्योंकि इतनी काफ़ी थी। और अल्लाह हाफिज़, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी किया करें, होप यू लाइक इट, कमेंट सेक्शन में आल्सो बताया करें। बाय 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 ना।